नमस्कार, कैसे सभी लोग। आज हम एक ऐसे चिराग के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसे मुस्लिम समाज के लोग इसे हाजरात कहते हैं और हमारे हिंदू धर्म में दीप त्रिनेत्री बोलते हैं, दिव्य दीप बोलते हैं और अंजनी भी बोलते हैं। प्यारे दर्शकों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि थाली में जल भरकर आप जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर दे देते हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा गेहूं देखना। गेहूं देखना एक विद्या है जो होती है, आदिवासी विद्या होती है। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वो दाने देखकर पता चलता है कि आप किस काम से आए, क्या दिक्कत है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं इसको अगर आप कर लेंगे तो मेरा दावा है, खुला चैलेंज है कि ये प्रयोग कभी निष्फल नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारे सिद्ध साधकों द्वारा एक बार नहीं हजारों बार परीक्षित किया गया है। तो विलंब ना करते हुए जय श्री राम, जय भारत मां की। जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी के माता पिता को मैं प्रणाम करते हुए भारत की इस प्राचीन विद्या को आपके सम्मुख रख रहा हूं। हाँ, हो सकता है आपने इसे इंद्रजाल या यदा कदा पढ़ा हो, लेकिन इसकी संपूर्ण विधि कहीं ढंग से नहीं दी गई, इसीलिए आप हो सकता है इस प्रयोग को कभी किए हो, विफल हो गए। तो चलिए आज इसका संपूर्ण विधान मैं बताता हूं। प्यारे दर्शकों, आपको सबसे पहले कैलेंडर पर या गूगल पर सर्च करना है 2023 रवि पुष्प नक्षत्र कब है। तो रवि पुष्प नक्षत्र आपको 5-6 मिल जाएंगे। 5-6 बोले तो साल में हो सकता है जनवरी फरवरी कभी पड़ जाए। तो आप ध्यान रखना कि किस महीने में रविवार को रवि पुष्प नक्षत्र पड़ रहा है। उस दिन आप प्रातः काल 5 सुपारी हल्दी से रंगी हुई, थोड़े चावल हल्दी से रंगे हुए, 1 पानी वाला नारियल, 5 तरीके की अलग अलग मिठाई, ये लेकर सूर्य उदय के साथ ही आपको एक वृक्ष होता है, हर जगह पाया जाता है, इसे बोलते हैं अपामार्ग। अपामार्ग आप गूगल पे सर्च कर लेना। इसे बोलते हैं लट जीरा, इसे गूगल पे सर्च कर लेना, कई नाम से पुकारा जाता है। अपामार्ग, लट जीरा, ओंगा, उलट कांटा, ये पेड़ आप सर्च कर लेना नाम से। 2 से 2.5 फुट का होता है, गोल पत्ते होते हैं, इनके ऊपर एक लंबी सी बौर जैसी, बौर एक डंडी होती है, इस पे छोटे 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 कांटे नुमा एक फल लगता है। उसका चावल भी पहले ऋषि मुनि की 10 दिन 20 दिन भूख ना लगे तो इसके चावल को 125 ग्राम चावल को खा लेते थे, एक एक महीने भूख नहीं लगती थी। तो लेकिन इसकी बात बता रहे, इस पेड़ के पास जाना है, इसके ऊपर सबसे पहले जल छिड़कना है, प्रणाम करना है, बोलना हे वृक्षराज, आपके अंदर वो शक्ति है कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं है। आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मैं आपको शाम को लेने आऊंगा, मेरे साथ चलकर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने चाहिए। इसके बाद चावल छिड़क देना, प्रणाम करना, सारी सामग्री उनके जड़ पर रखना, प्रणाम करके चले आना, ये सुबह करना है रवि पुष्प को। अब रात को आपको जाना है, प्रणाम करना है, धूप बत्ती दिखाना है और इस पेड़ को अपने दोनों ताकत हाथ से ताकत लगाना, नीचे पकड़ के जड़ के पास से उखाड़ना, किसी कुल्हाड़ी या खुरपी या कुदाल फड़ावे से नहीं उखाड़ना है। और कोई टार्च, मोबाइल का टार्च, दीपक, मोमबत्ती, किसी प्रकार की रोशनी में देखना नहीं है,
उसके ऊपर प्रकाश डाल दिया तो अपनी शक्ति खो देगा। इसलिए अंधेरे रात में उसके ऊपर कोई एक निशान लगा दीजिए, कोई कपड़ा बांध दे, कोई डंडी गाड़ दो उसके पास, ताकि पता चल सके। जब वहां जाए तो थोड़ा सा अपना पांव जमीन पे पटक दें, हो सकता है उस पेड़ के नीचे कोई जीव जंतु हो तो आपको काटे ना। उसके बाद उसकी जड़ को उखाड़ें, पेड़ को पूरा उखाड़ें, जड़ को वहीं कायदे से ऐसे ऐसे मरोड़ के, चूंकि लचीली होती, तोड़ लें इतनी बड़ी जड़। घर लाकर थोड़ी सी कॉटन लेना, उसको जड़ में उसी में रखना, इतनी सी कॉटन में जड़ रखना, उसको खूब कूटना, जड़ और कॉटन को खूब कूटना किसी हमाम दस्ते से या किसी चीज से, कि जड़ का रस पूरी रुई में लग जाए और जड़ बारीक बारीक होके वो रुई के साथ मिल जाए। जब कूट लोगे, सब चीज एक में हो जाएंगी, तो उनको सुखा लेना। सुखाने के बाद बाती बना बना के रख लेना, 20-25 हमेशा काम आएगी। अब इसको जब प्रयोग करना हो, देखना हो, तो आप रात को एक गाय का शुद्ध, डेयरी पे मिलने वाला, गारंटी नहीं है कि गाय का घी ही हो। जैसा आप जानते हैं दूध की सप्लाई इंडिया में कितना है और उत्पादन उसका 40% नहीं है, तो कितना दूध क्या लोग खा रहे हैं आप समझ सकते हैं, वैसे घी भी है। गाय का ओरिजिनल घी हो, मिट्टी के दीपक में उसको आप उसका दीपक सुलगाएंगे और बोलेंगे ओम, लिख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लिखूंगा, ओम नहीं, ओम सर्व कला कौतुक दर्शाए दर्शाए ओम। इसको दीपक जलाकर आप इस मंत्र को 21 बार पढ़कर दीपक को देखते रहें। उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे, जो देखना चाहोगे, किसी चीज के बारे में मालूम करना चाहोगे, एक बार मंत्र पढ़े और अपना क्वेश्चन धरे दीपक की लौ के अंदर, जैसे आप टीवी देखते हैं, जैसे आपको प्रत्यक्ष दिखता है, वैसा ही सब कुछ दिखेगा। ध्यान रहे, सावधान रहे कि आप सिर्फ अकेले देखेंगे। इस क्रिया को आपके अंग संग बैठकर कोई दर्शक या कोई तमाशाई व्यक्ति ना बैठे, एकदम एकांत में करें, जबरदस्त इसका रिजल्ट रहेगा। इसको करिए, लाभ उठाइए और हमारी सनातनी विद्या को आप प्रणाम करिए। प्यारे दर्शकों, अगर आपको अन्य कोई चीज सीखनी है, जानना है, तो ध्यान रखिए उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे लोग मेरे पास बिल्कुल ना संपर्क करें जो सोचते हैं कि हमको 10-12 दिन के अंदर बहुत बड़ी उपाधि मिल जाए, बहुत बड़ा हमको पहाड़ मिल जाए, तो ये लोग बेवकूफ बनाने वाला काम करते हैं। इधर ऐसा नहीं, शिक्षक का काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। जितना मन लगाकर, जितना ध्यान लगाकर, जितना एकाग्रता के साथ, जितनी विश्वसनीयता के साथ आप सीखेंगे, उतने ही जल्दी सफल होंगे। ध्यान रखिए, और आपको कोई समस्या हो, सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। हमारे आश्रम पर सभी विद्वान आपकी सेवा में कॉल पर हमेशा अवेलेबल रहते, वो भी पूर्णता निःशुल्क। ध्यान है, हमारी सलाह समाधान निःशुल्क है। किसी प्रकार की कोई सामग्री या यहाँ पर कोई आप अनुष्ठान करवाते हैं, उसका कोई सामग्री या दक्षिणा निःशुल्क नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। ईश्वर आपका कल्याण करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।